सेवक तेरा, तू है मैया रक्त पंजा झुका सर। साथ में टहला घूमा करती है। जी हाँ स्वामी। और तुम्हारी बात पर, तुम्हारे कहने पर कोई ध्यान नहीं देती है। हाँ, तुम्हारा कहना है कि कुछ चटुचट हो जाए तो इस बात की जो है बदनामी हो जाएगी। जी स्वामी। उसका लगा हुआ कीचड़ अपनी हमेली तक आ जाएगा, पूर्वजों की छवि भी बेकार हो जाएगी। जी स्वामी। इतनी बात के लिए परेशान होकर के महल फिर घटा दे हो। हेलो, क्या बना रहे हो? हेलो 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 ग्राउंड जम लावे बाहर का है बनाए रहे हो। हेलो 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 प्रिय परेशान मत हो, सुनो हमारी बात। और घबराओ रानी नहीं तुम ये देकर कर ध्यान। और बेटी किरण है मेरी राजकोट की, और राजकोट की शान महल से रानी थोड़ी आई। और राजकोट की शान महल से रानी थोड़ी आई। और देख किसी भूपति का ललका कर दूं छोड़ सदाई। किरण को देखे उसकी करूं सफाई। और आंख उठा कर किरण को देखे उसकी करूं सफाई। और होनहार है दीपक ललका ना है वो। महल को रानी जाओ, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। दीपक किरण से और किरण दीपक से ये एक दूसरे से मिल न सके। और बहुत जल्द से जल्द कोई भूपति का लड़का ढूंढ करके हम अपनी बेटी किरण की शादी करें। स्वामी, नहीं मिलने की बात, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी बेटी किरण को राजमहलों के बाहर में कभी नहीं जाने दूंगी। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी स्वामी। जा सकती हूँ। दरबार का समय समाप्त हुआ, अब हमारे भी शयन कक्ष जाने का समय हो गया है। आराम फरमाए मालिक, कुल जिम्मेदारी तुम्हारी हो।
अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दे। कहने वाली बात नहीं, ये ना जनो टंकी का मामला, धनिकों चूक ये हुई आग हवाई की आग प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया भूमि हो। हाँ अब ले चलता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को लिए चलता हूँ देश कामरू की तरफ। देखिए देश कामरू में एक पारस जादूगर रहता है। अब आप लोगों के सामने देश कामरू का रहने वाला आप लोगों के सामने आता है पारस जादू। कमीचा का सेवक हूं, मां काली कमीचा की मेहरबानी से दस कामरू में मेरा जादू। जब मैंने पहली बार मां काली कमीचा की उपासना किया, मां काली कमीचा प्रकट हुई, कहने लगी जादू भाई, मां जादू भाई क्या मांगना चाहता है? तो हमने कहा मां मुझे आज वरदान दो, मुझे आज वरदान दो कि जब मैं चाहूं अपना जिस्म ये पत्थर का बना लो पत्थर। जब भी मैं चाहता हूं अपना जिस्म पत्थर का बना लेता हूं पत्थर। जब मैंने मां काली कमीचा की दोबारा उपासना किया, दोबारा मां काली कमीचा प्रकट हुई और कहने लगे जादूगर मां क्या मांगना चाहता है? तो हमने कहा मां काली कमीचा मुझे अमर कर दे अमर। मां काली कमीचा कहने लगे जादूगर आज मैं तुझे स्वर्ण कमल का फूल देते हो पा। हमने कहा नहीं मां मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे अमर कर दे अमर। मुझे कोई मार ना सके। तो मां काली कमीचा कहने लगी जादूगर यह स्वर्ण कमल का फूल मामूली फूल नहीं है, इसी स्वर्ण कमल में तेरी जान है जान। कमीचा कहने लगी जब तक स्वर्ण कमल का फूल तेरे पास रहेगा तुझे संसार में मानने वाला कोई पैदा। आज मेरे दिल के अंदर भावना जागृत हुई है,
कि मैं माँ काली कमिच्छा की उपासना करूंगा, तिबारा उपासना करूंगा और तुझे तीसरा वरदान प्राप्त करूंगा। माँ काली कमिच्छा, तीसरे वरदान में मैं तुझसे दो अंग रक्षक मांगूंगा, अपने दो अंग रक्षक। काली कमिच्छा, काली कमिच्छा, आओ आज तेरा सेवक तेरी उपासना करने जा रहा है, उपासना करने जा रहा है, तेरा हवन रचाऊंगा और तू से तीसरा वरदान करूंगा। अगर आज काली कमिच्छा प्रकट नहीं हुई तो ये 12 जादूगर इसी हवन कुंड में अपना सर कलम कर देगा। आओ काली कमिच्छा, आओ प्रकट और मुझे तीसरा वरदान। कमिच्छा प्रकट हो और अपने सेवक को तीसरा वरदान दो, तीसरा। आ काली कमिच्छा, ओम काली कमिच्छा चामुंडा। स्वर्ण कमल का फूल दिखाओ जिसमें मेरी जान है, जान वो भी छुरी की नोक पे। काली कमिच्छा, आज वो स्वर्ण कमल का फूल छुरी की नोक पे लाओ जिसमें मेरी जान है, धोखा मत देना। छुरी की नोक पे फूल नहीं आ तो ये तेरा सेवक
हमन कुंड में अपना सार काम कर पे वो फूल जिसमें जान है जान आज काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली बच्चों जरा एक बार जोर से बजा ताली काली कभी चा धोखा मत देना मैं तुझे होली दिवाली भेड़ा बकरा काला कबूतर देता हूं नहीं मिलता है तो ये जादूगर तुझे अपने सीने का कोल देता है नंबर तीन पे छुरी की नोक पे वो फूल आएगा जरा जोर से तालियां बजा कमल का फूल जिसमें मेरी जान है काली कमीचा ये जादूगर ने तेरी तिवारा उपासना किस लिए किया है तो अपने अंग रक्षक तो आज अपने खेमे से मेरे लिए दो अंगरक्षक भोजन मिलेगा लेकिन कब मेरे कहने के मुताबिक कार्य करोगे तब मैं तुम्हें लोगों का चिन्ना मांस खिलाऊंगा अगर मैं तुमसे कहूं जाओ इस बच्चे को उठा लाओ अभी नहीं
अभी नहीं, जब मैं तुमसे बताऊं तब। अगर मैं तुमसे कहूं कि जाओ इन बाबा को कुतिया बनाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, बता लो जब हुक्म दूं तब। अगर मैं तुमसे कहूं कि समाज को यहां से गायब कर दो, अभी नहीं, ठहरो, अभी नहीं, जब ये मेरा कहना नहीं मानेंगे तब तुम्हें सारी समाज को गायब कर देना है। लेकिन तुम भूखे हो, मैं तुम्हें जिंदा इंसानों का गोश्त खिलाऊंगा। बोलो, थपेड़ खाओगे? खाऊंगा, खाऊंगा, खाऊंगा। बहुत भूखे हो? बहुत भूखा हूं। पाए खाओगे? खाऊंगा। अरे भैया, वो भी खा जाऊंगा। और चंद्रमुखी भी चाहिए। चलो तुम्हारे लिए हम वहीं पे सारी व्यवस्था करते हैं। चार लड़का में कहता तुम लोगों को लिए मेरे पास कजे कलेजा रखा हुआ है, मैं तुम्हें भर पेट कलेजा खिलाऊंगा। जरिवान कहिए मंत्री जी, रैयत में घूमो टहलो, घूमो टहलो, और इस बात की जानकारी करो कि प्रजा में कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। और फिर हम लोगों के होते हुए कोई तकलीफ हो तो हम लोगों को कोई आराम हो जाए तो जीना धिक्कार है। साले आराम नहीं, तकलीफ हो जाए। महाराज का जवाब क्या दोगे? लेकिन जरिवान हमें किरण की याद दिल से बिल्कुल जाती नहीं है। अच्छा, तुमने घुसी है? वह दिल में समा सकती है, दिल में घुसी है, लेकिन उसके लिए आज मौसम कितना मस्त है रे देवरीवाल। मतलब और झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी हसीना,